गोपी चंद की बड़ी रानी पाटन के महलों में सोई हुई अचानक रात्रि को अजीब सपना आता है। सपने में क्या देखती है? महाराज गोपी चंद साधु नजर आते हैं। रानी मध्य रात्रि में खड़ी हो जाती है, महाराज से अपने सौपन का हाल बताती है, वृतांत बताती है कि महाराज किस प्रकार आपने वो फकीरी बाणा धारण किया हुआ था इस तन पर, और कैसे आप उन वस्त्रों में लग रहे थे। अपने उस सौपन का वृतांत बताती है और कैसे क्या बताती है। Yeah.
निमराणा बिचपड़ी निवासी उनकी तरफ से पहले पुरस्कार बहुत अधिक दिया गया 100 रुपए और इन मंच के कलाकारों को प्रदान किए जाते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद और 10 रुपए और इस रागनी पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। बार बार धन्यवाद। हरियाणा के जानी मानी हस्ती आदरणीय स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी, जिनकी आज वो शतम ढह चुका है, उनकी ये रचना है और कलाकारों ने दादा जगन्नाथ की इतनी रचनाएं गाई हैं, लेकिन आदरणीय है, भगवान से विनती करते हैं कि परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान करे। अभी कुछ ही समय पहले उनका स्वर्गवास हुआ है और ये उनकी रचना है और बहुत सी रचना बनाई मेरे से पूर्व कृष्ण समाज से गाई जा रही थी रागनी जगन्नाथ जी की और बड़े ही आदरणीय कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं। और आइए नंबर 4 में क्या कहा उन्होंने। Hi.